नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिग्नल मैसेजिंग एप्लीकेशन के बारे में। तो गाइस, क्या वर्ल्ड वाइड शटडाउन होने वाली है? फाइनली आपको जो बीच में शटडाउन देखने के लिए मिल रहा है, तो अब आपको मूव करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे या फेसबुक मैसेजिंग पे। ये भी बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। तो दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिग्नल मैसेजिंग ऐप वो एप्लीकेशन है, मतलब जिसके जो को फाउंडर है उन्होंने ही व्हाट्सएप डेवलप की थी, लेकिन वो एक कह सकते हैं कि वहां से डायरेक्टली अर्न नहीं करते, इनडायरेक्टली अर्न होता रहता था। जैसे ही फेसबुक ने कुछ अच्छा ऑफर रखा तो उस एप्लीकेशन को फेसबुक को बेच के अपनी नई एप्लीकेशन डेवलप कर ली, सिग्नल मैसेजिंग ऐप। इसमें भी आपको वही फीचर देखने के लिए मिलते हैं जो कि व्हाट्सएप के अंदर मिलते हैं, और यहाँ पे वही को फाउंडर है, वही सीईओ ही है जो कि उस टाइम व्हाट्सएप के थे, तब उन्होंने फर्स्ट टाइम डेवलप की थी। गाइस, अभी रिसेंटली बात की जाए, 26 तारीख को सुबह 8 बजे से मतलब इंडिया में ही प्रॉब्लम, या आपके पास ही प्रॉब्लम नहीं थी, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम ये हो गई थी, जो सर्वर थे उन पर ओवरलोड मतलब वर्क हो गया था, और वो कंटिन्यू बहुत टाइम से यूज कर रहे थे। बट सिग्नल फाउंडर जो थे वो ये सोच रहे थे कि चलो थोड़ा दिन और बीत जाए, थोड़े दिन और बीत जाए। अचानक से सर्वर क्रैश होने की वजह से बहुत ज्यादा मतलब लोग उस टाइम सब्सिट्यूट ढूंढने लग गए, व्हाट्सएप को जाने लग गए, या बात की जाए कहीं ना कहीं फेसबुक मैसेजिंग का भी सहारा लिया लोगों ने। और सिग्नल एप्लीकेशन की बात करेंगे इस मैसेज एप्लीकेशन की, तो वहां पे बंद करने का कोई विचार नहीं है। रिसेंटली अभी अपने जो टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो गाइस डायरेक्टली सर्वर नए खरीद के ऐड किए जा रहे हैं, क्योंकि ये पहले ऑप्शन ले रहे थे। कहीं ना कहीं सेकेंडरी, एक सर्वर खराब होता है दूसरे पे जा सकते हैं। अब क्या हुआ, एक ही सर्वर पे वर्क कर रहे थे और वो शट डाउन होता है। डाउन ट्रेकर वेबसाइट ने फाइंड आउट किया था कि सुबह 8:30 पे ये फर्स्ट टाइम डाउन हुई थी, और उसके बाद लगातार डाउन होती चली गई। कनेक्टिविटी जो नियरेस्ट थे सब जगह लगातार डाउन हुई। इंडिया की बात नहीं कर रहे, ऑल इंडिया की बात, ऑल वर्ल्ड की बात करें तो सभी जगह इक्वली डाउन हुई थी, और सब कस्टमर्स को प्रॉब्लम हुई थी। तो गाइस मतलब सीओई की तरफ से ऑफिशियल ट्विटर पे बयान भी दिया गया है कि हम इसे ठीक करने में जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी जो प्रॉब्लम है जल्दी से शूट आउट की जाएगी। और एप्लीकेशन बंद होना या लोगों ने अफवाह फैला दी कि अब ये परमानेंट शटडाउन हो गई, अब दोबारा नहीं खुलेगी, तो गाइस ऐसी कोई बात नहीं है। अब तक मतलब विद इन अ वीक के अंदर प्रॉपर तरीके से जो कनेक्टिविटी है, जो आपकी मैसेजिंग थी, वो नॉर्मल हो जाएगी। बस ये है कि थोड़ा जो टाइम लिया जा रहा है वो सर्वर को रिपेयर और एडिटिंग करने के लिए लिया जा रहा है, कि जो आपका डेटा क्रैश हो गया होगा दौरान, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मैसेज ऐसे भी हो जाते हैं कि आपने सेंड करे उसी टाइम डाउन हो गया, तो उसे पहले रिकवर किया जाएगा, उसी मोमेंट पे स्टार्ट किया जाएगा सिग्नल मैसेजिंग एप्लीकेशन को जिस मोमेंट पे वो बंद हुई थी। तो गाइस उस वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है रिकवरी के ऑप्शन की वजह से। अनदर गाइस, एप्लीकेशन कंटिन्यू है और ऑफिशियल बयान के बाद ही हमने ये वीडियो डिजाइन किया। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।